शिवांत मसीद एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी एंड हैप्पी दिवाली। अगर मैं आप लोगों को कह नहीं पाया था, टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया था एंड बहुत अच्छे दिन जा रहे थे। अब फोकस करते हैं मार्केट पे दोबारा, मार्केट किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज और अच्छी दे सकती है। सो मैंने आप लोगों को पास्ट फ्यू वीडियोस पे, जब मैं लाइव आया था थोड़े टाइम पहले, तो मैंने आप लोगों को एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम या सेटअप दिखाया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। उस पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। अभी मैं आप लोगों को एक झलक उसकी एक और बार दिखा दूंगा। सो उसको मैं कम से कम 1.5 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ एंड वो उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अच्छी जा रही है। एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम लोग और चेंजेस कर रहे हैं। बट मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं एंड उनमें से एल्कम लैब्स हो गया, एल्कामाइन हो गया, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है। सो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा एंड प्लीज़ टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल एज वेल, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स के अपडेट्स आने वाले हैं थ्रू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सेटअप के थ्रू। सो वहाँ पर जरूर फोकस करना। अब बात करते हैं कल वेडनेसडे किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप लेकर चल रहा है, क्या मार्केट की परफॉर्मेंस होने वाली है, सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। ओपन इंटरेस्ट का और FII का डाटा समझते हैं कि FII कर क्या रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट का डाटा बहुत ड्रास्टिकली और डेली बेसिस चेंज हो रहा है, उसको कैसे समझा जाए और सिंप्लीफाई करा जाए। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और वहीं पर ही मैं आपसे बात करता हूँ। सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ वो है कर्नाटका बैंक। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो नवंबर का मंथ है इसमें मैं 3 वेबिनार करने वाला हूँ जूम मीटिंग के थ्रू एंड वो वेबिनार बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। 2 वेबिनार होंगे उन लोगों के लिए जो एक्चुअल स्टॉक मार्केट पे टेक्निकल एनालिसिस को जानते हैं, जो लोग बहुत टाइप से स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, पैटर्न्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, बट वही पैटर्न्स तब भी उन्हें लॉसेज लेकर जा रहे हैं बहुत बार सीखने के बाद, तो वो लोग थोड़े एडवांस लोगों के लिए वो वेबिनार होगा जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे हैं। एंड एक वेबिनार होने वाला है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिन्हें कुछ भी नहीं आता और वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वेबिनार होने वाला है। सो गाइज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वेबिनार होने वाला है एंड मैं तो सलाह दूंगा जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं वो इस वेबिनार को अटेंड करें, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ाई नहीं जाती हैं, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम समझ में आती है अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे, नॉट ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केट और स्टॉक मार्केट के चार्ट्स की साइकोलॉजी को। सो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं आप लोगों को कल परसों के अंदर अपडेट कर दूंगा क्या टाइमिंग रहने वाली है, क्या डेट हम लोगों ने डिसाइड करी है एंड सारी डिटेल्स के साथ, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो यस, कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक का मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक जोन क्रिएट करा हुआ है ब्लू कलर का एंड इस जोन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस होने को मिल रहा है एंड आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक बना है। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड बियरिश डाउनफॉल, इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा है डाउनफॉल साइड और यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। बहुत बढ़िया रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, ऑलमोस्ट जुलाई 2019 से ये इस लेवल के नीचे था और अब फाइनली इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जो कि आने वाले टाइम पे आ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूवमेंट, इसने क्या करा, यहाँ पर एक रेंज बाउंड हुआ और कंसोलिडेट करा। सो यानी कि यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी क्रिएट हुआ आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव, एक फ्लैग एंड पोल बनाया और इसका भी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है एट द गिवन लेवल्स। सो आई थिंक अगर ये 74.55 के ऊपर क्लोज करता है 1 आवर की कैंडल या 30 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज करती है तो ये बहुत अच्छी रैली दे सकता है एंड ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 8 to 10 rupees की अप मूव ये आने वाले टाइम पे दे सकता है अगर इसका ब्रेकआउट होता है। तो 74.55 के ऊपर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिएगा और इस पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कब आपको बाय करना है। ऑलरेडी इस पर मैंने बाय सेटअप टेलीग्राम पर जनरेट करवा दिया था, उसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टॉक है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री लेवल सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा हुआ है, तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके हमें जरूर ज्वाइन करिएगा। सो गाइस, मेरा दूसरा स्टॉक है BEML। BEML में अगर आप देखेंगे सो मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ करी हुई थी जहां पर एक फॉल आना स्टार्ट हुआ था मार्च 2021 से एंड आफ्टर दैट इसने अभी ब्रेकआउट रिसेंटली दिया था अक्टूबर के मंथ में एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं इट गेव अ रीटेस्ट और ऊपर गया एंड ऊपर जो ब्रेकआउट कैंडल थी ना उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली थी और ये ब्रेकआउट आया था 14th of October को एंड ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट होने वाला है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे ना इसने एक अच्छी अपमूव दी एंड ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाके कुछ पॉइंट्स ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। आप देखेंगे जब भी ये ब्रेकआउट वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे बहुत बार आया है, मल्टीपल रिजेक्शन फेस करें, इसने मल्टीपल विक के रिजेक्शन फेस हुए नीचे आया,
बट फाइनली इसने एक अच्छी मोमेंटम आज करी एंड ऊपर की तरफ जाके क्लोज करा। आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और एक ब्रेकआउट आने वाला है। कल नहीं आता तो परसों जनरली आ सकता है, कल एक इनसाइड कैंडल बना के फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो करंट प्राइस है 1665 रुपीज का, हम लोग 1675 के ऊपर एक अच्छी बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना एक बार ट्रेडिंग सेटअप भी दिखा देता हूँ, मैं कैसे इंट्राडे या बीटीएसटी के स्टॉक्स को फाइंड कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सेटअप बना हुआ है एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक बाय सिग्नल आ चुका है, 30 मिनट्स पर भी एक बाय सिग्नल आ चुका है, 1 आवर पे भी ऑलमोस्ट आने वाला है एंड डेली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट्स देखता हूँ। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं सबसे पहले चार्ट्स को देखता हूँ एंड अगर मुझे चार्ट्स पे स्टॉक पसंद आ रहा है तो मैं ही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को फॉलो करता हूँ, वरना मैं उसको ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करता। सो मेरे लिए यही ऊपर रहता है। सो ये पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर जाएगी, अभी बहुत चेंजेस रहते हैं एंड बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने निकल के आने वाली है। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की एंड इसके भी मैं आप लोगों को अपडेट्स दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो हमारा लास्ट स्टॉक है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक अपर रेजिस्टेंस का एक जोन बना रखा है, सप्लाई जोन, एंड यहाँ पर एक बहुत शार्प फॉल हम लोगों को फेब 2020 पे देखने को मिली थी एंड ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ऊपर ज्यादा हो चुके हैं एंड आफ्टर दैट अब इसने फाइनली अभी नवंबर के मंथ पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर एंड अब बहुत बढ़िया रैली हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर आप चेक करेंगे तो जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके बाद जो सेकेंड कैंडल बनी थी वो एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी जो कि टॉप पे बनी थी और बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड कर रहे थे, बट हुआ क्या है इसी लेवल पे कंसोलिडेट करा और फाइनली अपने इस विक के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है विच इज वेल एंड गुड। सो आई थिंक अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी अप्रूव आ सकती है। ये स्टॉक शायद मेरे से किसी ने पूछा भी था आज, तो 297 पे मैंने बताया था कि 320-325 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। कैसे आप देख सकते हैं ये इम्पल्स मूव जो इसने यहाँ तक दी थी, ये जो इम्पल्स मूव दी थी उसका रिट्रेसमेंट दिया 38% एंड दोबारा ऊपर गया। अब टारगेट्स कैसे मैंने फाइंड करे, थ्रू फिबोनाची एक्सटेंशन। सो ये मेरा बॉटम है एंड दिस इज माई प्रीवियस स्विंग हाई एंड दिस इज माई लो। सो मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड दिस लेवल, ये मेरा टारगेट निकल के आ रहा है जो कि सबसे पहला टारगेट होगा 320 से लेके 325 रुपीज का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कल शायद ये छोटी सी डिप दे सकता है तो उस डिप में हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। यस डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जा चुका है तो 297 के आसपास दोबारा मिलता है तो क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज कल स्मॉल क्वांटिटीज पे काम करना, हो सकता है कि दोबारा कंटिन्यू रैली कर दो और 320 को कल के कल ही टेस्ट कर ले, और अगर ये 325 के ऊपर निकल जाता है कल डेफिनेटली सस्टेन करेगा 2-3 दिन 325 के आसपास, बट अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो 350-360 के लेवल्स भी बहुत इजिली ये स्टॉक दिखा सकता है। वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिएगा, कभी भी डिप दे इस डिप में आप लोगों को एक्यूमुलेशन इस स्टॉक के अंदर करनी है, ठीक है। और करंट लेवल्स पे बाय करना है तो एज अ BTST या 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और ऊपर इंटरेस्ट के डाटा की। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, सिर्फ एक रेड लाइन को फोकस करो, ये वाली रेड लाइन को हमें सिर्फ फोकस करना है। अब रेड लाइन को बस एक चीज में देखिएगा, ये वाली कैंडल देख रहे हैं छोटी सी जो कैंडल बनी थी जहां से एक बहुत बड़ी रैली निफ्टी के अंदर आना स्टार्ट हुई थी, ये हमारा था स्विंग लो, उसके बाद एक फॉल आया और अब इस जोन को फोकस करना, इस जोन से एक दोबारा अपमूव आना स्टार्ट हुई। सो इस बात को याद रखना, एक बहुत बड़ी रैली आ रही थी और ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था। एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, दोबारा मुझे आने वाली वीडियोस में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके माइंड में आ जाएगा। जब तक ये वाला स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा ऑन अ डाउन साइड, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो हमें जब तक ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है, ऑन सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है, हमें बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है। जैसे ये स्विंग लो ब्रेक होगा और दोबारा ऊपर जाएगा और ऊपर फिर हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे तब एक करेक्शन आ सकता है। जो ये वर्ड करेक्शन है ना, ये तभी आएगा जब ये इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, अदरवाइज कोई करेक्शन नहीं है, इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप एक चीज तो ऑलरेडी कह सकते हैं कि ये भाई स्टॉक ये इंडेक्स जो है पर्टिकुलर इंडेक्स, ये बहुत टाइम से आप देख सकते हैं ये हायर हाइज एंड हायर लोज मेंटेन कर रहा था, ये देख रहे हैं हायर हाइज एंड हायर लोज, बट उसके बाद क्या हुआ, अपने टॉप पे आया, नीचे आया, हल्का सा पुल बैक लिया, दोबारा नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया एंड अब दोबारा ऊपर जा रहा है। सो यानी कि अब लोअर लो एंड लोअर हाई मेंटेन होना स्टार्ट हो गया है।
यहां पर इस सिनेरियो में क्या करना है, आप देखिएगा। सबसे पहले जब एक फॉल आया था और एक पुल बैक दिया था इसने, तो ये एक रेंज के अंदर काम करा और रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो एक बहुत शार्प हैवी फॉल आया। आफ्टर दैट ये जब फॉल आया तो अब ये दोबारा एक रेंज के अंदर आ चुका है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है ना पर्टिकुलर निफ्टी, तो यहाँ पर एक और सेलिंग प्रेशर आ सकता है जो कि इसे अपने प्रीवियस लोस तक लेकर जा सकता है। इस बात को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यानी कि 17,900 या 880 का लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा, तो वहां पर हम लोग एक शॉर्ट लेकर चल सकते हैं एंड अपने प्रीवियस लोस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर हमें बाय कहां पर करना है? देखिए बाय आप लोग एक ही जगह कर सकते हैं। आप देखिएगा एक फॉल आया, ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आया और दोबारा ऊपर जा रहा है। अब प्रीवियस हाई जो इसका है, वो प्रीवियस हाई है एट दिस पर्टिकुलर लेवल। जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलेगा और डिप नहीं देगा इसके बाद, तब तक हमें बाय नहीं करना। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तो ये जो ट्रेंड चल रहा था ना लोअर लो लोअर हाई का, ये रिवर्सल हो जाएगा और यहां पर फिर हम लोग अपना एक बाइंग सेटअप जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहां पर एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो एक बाय सेटअप के बारे में सोच सकते हैं, बट बाय अभी नहीं है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज हमें इसके ऊपर बाय करना है। इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है जो कि अगस्त से चलती हुई आ रही है एंड ट्रेंड लाइन का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अभी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर देखिएगा ऑन अ सपोर्ट साइड यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम पैटर्न को भी क्रिएट करा हुआ है। सो व्हाट वी कैन डू, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एक सिनेरियो आ रहा है जहाँ पर दो ट्रेडिंग जोन भी हम लोगों को सिंपल बेसिस पे देखने को मिल रहा है एंड वो क्या है, लेट मी शो यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप लोगों को रेड कलर की लाइन दिख रही है, आप एक बात को देखिएगा, ये जो एक शार्प रेड कलर की फॉल आई थी ना, इसके ऊपर अभी तक ये नहीं निकल पा रहा। तो जब तक इस रेड जोन के ऊपर, रेड जोन के ऊपर ही नहीं निकलता, तब तक हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट नहीं होगा। सो अभी करंट प्राइस इज 39,370 रुपीज का। जब तक ये 39,560-580 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक बाय नहीं करना। क्यों समझेगा, 39,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली ऊपर इंटरेस्ट में भी यहाँ पर हैवी कॉल राइटर्स होंगे। अगर ये 39,500-530 के आसपास आता है तो कॉल राइटर्स और ज्यादा एक्टिव होंगे एंड पोजीशंस और ज्यादा बढ़ाएंगे एंड ये पर्टिकुलर इंडेक्स और नीचे जा सकता है। सो हमारे लिए बाय सेटअप कब होगा, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब नहीं, जब ये 39,600 के आसपास रुकेगा और मेंटेन करेगा तब हमारे लिए होगी। क्यों, क्योंकि जहां जब 39,500 के जो कॉल राइटर होंगे और जब वो 39,600 जाएगा हमारा प्राइस, तो जो भी कॉल राइटर्स होंगे 39,500 के, वो लोग ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट और ऊपर जा सकती है, बट हमें बाय तभी करना है जब ये इस लेवल को ब्रेक करके 39,600 के ऊपर जाएगा। इस लेवल के ऊपर, लेट मी शो यू, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें बाय नहीं करना। दूसरी बात, अब यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक फॉल आया, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये एक दोबारा शोल्डर बना सकता है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो दोबारा निफ्टी में जैसे फॉल एक्सपेक्टेड है, वैसे बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल एक्सपेक्टेड हो सकती है। सो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो शॉर्ट नहीं करना, जब ये जोन के नीचे जाएगा तब हमें अपना एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है। बाय कब कर रहे हैं, इस जोन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, आई होप मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको बता दिया होगा। अब बात एक बार करते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा एंड एफआईआई डाटा के बारे में। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड डेफिनेटली आप लोगों को ना आवाज में मेरी थोड़ा बहुत चेंज लग रहा होगा, तो मेरे को ना दिवाली से ही मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब चल रही है एंड उसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है ठीक से, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से बन पाए एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा ओपन करा हुआ है एंड सबसे पहले कॉल और पुट चेंज को आप देखिएगा। अगर आप देखेंगे कॉल चेंज है 11.8 मिलियन एंड पुट चेंज नेगेटिव में, यानी कि जितने भी पुट राइटर्स थे उन लोगों ने पोजिशन एग्जिट कर ली, जितने भी एक सपोर्ट मेंटेन करके बैठे हुए थे बॉटम पे वो लोग एग्जिट कर चुके हैं एंड कॉल राइटर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और आप लोगों ने वही ऑब्जर्व करा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा हैवी कॉल राइटर्स है 18,200 पे,
मैंने आपको बोला हमें कहाँ पर बाय करना है, हमें बाय करना है किस लेवल पे, हमें बाय करना है जब ये 18,000 इसके ऊपर निकलेगा, 343 के ऊपर, तभी हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट होगा, ठीक है। एंड फॉल कहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, हमें ब्रेक करना है जब ये लेवल, तो 17,900 का लेवल जब ब्रेक होगा, एंड वहां पर हैवी पुट राइटर जितने भी थे वो एग्जिट कर चुके हैं, यानी कि अगर इससे नीचे गिरेगा तो एक शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है जो कि प्रीवियस लो तक लेकर जा सकती है। अगर बात करें बैंक निफ्टी, तो हैवी पुट राइट कॉल राइटर्स एक्टिव है 39,500 पे, अभी हम लोगों ने वही बात करी वहां पर एक्टिव है, तो हमें 100 पॉइंट ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी तो ही ये वाले जो कॉल राइटर्स है ये ट्रैप होना स्टार्ट होंगे, अदरवाइज हमें शॉर्ट करना है अगर वो अपनी ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और बियरिश हेड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट का डाटा बहुत ज्यादा वीक है, एक बार हम लोग एफआईआई का डाटा भी चेक कर लेते हैं। कॉल और पुट चेंज देखेंगे तो कॉल 70,000 बाइंग है एंड पुट 2.55 लाख क्वांटिटीज बाइंग है। सो कॉल और पुट पे भी ऑप्शन डाटा पे भी वो लोग बियरिश है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर भी उन लोगों ने शॉर्ट कर रखा हुआ है 26 करोड़ का, 2600 करोड़ का। इसके अलावा स्टॉक्स पे भी उन लोगों ने सेलिंग करी हुई है और डीआईआई बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ओवरऑल नेट सेलिंग देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से मार्केट ऑन अ डाउन ट्रेंड फेज पे अभी चल रही है, तो हम लोगों को अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट, प्लस आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा है। आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और कुछ सीख रहे हो मिला तो प्लीज लाइक करिए। कोई भी डाउट सारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, नॉट स्टॉक स्पेसिफिक रिलेटेड बट कोई टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड डाउट आ रहा है सो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा वर्कशॉप या जो लाइव वेबिनार होने वाला है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।